नख में कजरा बाल में कजरा बिंदिया जो लगाई रे देख के मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए मेरी चूनर उड़ उड़ जाए आजा तुझे मैं पढ़ लूं दिल में उतार लूं होठों से देखूं तुझे आंखों से पुकार लूं वही से ये कहती है कहती रहती हाय गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मॉम ब्यूटी शालू। और गाइज आज का ये जो लुक है ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है तो ये मैंने कैसे क्रिएट किया है और ये मैंने कैसे क्रिएट किया है मतलब कि आगे हम देखेंगे इस वीडियो में। और अब शादियों का सीजन आ रहा है तो गाइज बहुत सारे लुक क्रिएट करने पड़ेंगे तो उसमें से ये भी आप क्रिएट कर सकते हो क्योंकि बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं मैंने खाली इयर रिंग्स और मांग टीका ही पहना है जो कि बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है इस मतलब बहुत ही प्यारा टच दे रहा है जो कि इस मेकअप को। और मैंने गले में कुछ नहीं पहना है तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये लुक क्योंकि अब वेडिंग्स आ रही हैं तो उसमें दुल्हन तो होती है बट उसके साथ जो बाकी लोग होते हैं उन्हें भी लोग देखते हैं तो वो लोग ये मेकअप कर सकते हैं। करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको पसंद आए तो प्लीज आपको पता है क्या करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ। और मैं देना करते हुए वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो पहले मैंने लिया है ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर जिससे मैं अपना आई बेस बनाऊंगी और बहुत ही अच्छा कंसीलर है ये। हमें इसे लगाकर अपना आई बेस बनाना है ताकि हमारे आई शेडो के जो कलर है वो बहुत ही अच्छे आए। और इसे मैं लगा के ब्लेंड कर लूँगी। दूसरा इसे सेट करूँगी वो है लॉरियल का कॉम्पैक्ट पाउडर और मैं इसे अच्छे से सेट कर लूँगी क्योंकि आज मैं आई मेकअप से शुरू कर रही हूँ। दूसरा मैं ले रही हूँ ये काइली का आई शेडो पैलेट जो कि ड्यूप है और इसमें बहुत ही प्यारे कलर्स भी हैं आप देख सकते हैं। तो मैं ये एक ब्राउनिश कलर ले रही हूँ तो ये मेरा ट्रांजिशन शेड है और इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे क्योंकि ब्लेंडिंग सबसे मस्ट होती है क्योंकि जब तक आप अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो आपका शेडो अच्छा नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं मैं कितने अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ इसे तो आपको क्रीज लाइन में ही इसे ब्लेंड करना है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये SFR का आई शेडो पैलेट जो कि बहुत ही अच्छा है और मेरा न्यू परचेज है और मैं इसमें से ये ग्रीन मैट शेड ले रही हूँ पहले और मैं इसे अच्छे से अपनी आईज की लिड पर लगाऊंगी। हमें पूरे पे नहीं लगाना है लिड पर ही पूरा जो एरिया होता है उसे कवर करना है और बहुत ही प्यारा ग्रीन शेड है ये। और फिर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ये मेटालिक ग्रीन शेड और मैं इसके ऊपर ही लगा लूंगी। और अच्छे से लगा लेंगे देख सकते हैं आप कितना शाइनी हो गया है कलर। और मैंने एक काइली के शेडो में शेडो पैलेट में से ही वाइट कलर का आई शेडो ले लिया है जो कि हाईलाइटर का वर्क करता है तो मैं इसे अपनी आईज की ब्रो बोन पे लगाऊंगी और मैं अपनी आईब्रो फिल करूंगी पेंसिल से और अच्छे से इसे फिल कर लूंगी बहुत ही अच्छी पेंसिल से। और मैं ले रही हूँ ये ADS का लाइनर जो कि है स्केच लाइनर और बिगनर्स के लिए स्केच लाइनर बहुत अच्छा रहता है। और मैंने एक विंग लाइनर क्रिएट किया है क्योंकि गाइस हम नॉर्मली तो लगाते ही रहते हैं बट अगर हम किसी शादी फंक्शन में जाते हैं तो विंग्स लाइनर से थोड़ा सा हैवी लुक आ जाता है। और मैं इसे आईज के इनर कॉर्नर तक लगाऊंगी पूरा और मैं अच्छे से अपना फेस जो है वो क्लीन कर लूंगी ताकि कोई भी फॉल आउट हुआ है तो वो साफ हो जाए। और मैंने मेरे से क्लिप कट गई गाइस मैंने जो फाउंडेशन यूज़ किया है वो किया है ADS का फाउंडेशन। दूसरा लिया है ये कंसीलर जो है कंसीलर जो है ये कंसीलर स्टिक और ये लिया है मैंने NYBA की और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। दूसरा मैंने वही ग्रीन आई शेडो लेकर मैट का वो अपने आईज की लोअर लैश पे लगाया है जो कि हमें लगाना ज़रूरी होता है बहुत ही अच्छा उस पर आपके आईज पे कलर दिखता है और इसे अच्छे से स्मर्ज कर लेंगे।
दूसरा मैं ले रही हूँ ये मार्स का कॉन्टूर पैलेट है मेरा, तो मुझे इसे सेट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्रीमी टेक्सचर का कॉन्टूर यूज़ किया है। और फिर से मैं ले रही हूँ ये लॉरियल का कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि मेरी हाईएस्ट पॉइंट है, मैं उस पर लगा लूँगी जहाँ मैंने कॉन्टूर शेड नहीं यूज़ किया है, और जहाँ हमें पाउडर लगाना चाहिए गाइस वहाँ मैं लगाऊंगी। आप देख सकते हो, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो और पूरा अपने फेस पर भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा मैं ले रही हूँ ये मार्स का ब्लशर पैलेट जो कि है 5 in 1, और इसमें से मैं एक ही ऑरेंज पीची शेड लेकर अपने मतलब ब्लश लगा रही हूँ। बहुत ही प्यारा ब्लश है ये, बहुत ही प्यारा पैलेट भी है, आप चाहे तो खाली एक पैलेट ही खरीद लें ये वाला। और मैं ले रही हूँ ये CVB का वाइट हाइलाइटर, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा वाइट हाइलाइटर है। अगर इस लाइट में आप लोग कहते थे आपका हाइलाइटर नहीं दिखता है आपका, तो आप देखकर मुझे बताइएगा कि कैसे मेरे मेकअप के कलर आ रहे हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये आइंस्टाइन डाइम्स का वाइट काजल, गाइस बहुत ही अच्छा काजल है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। मैं इसके 3 शेड है, मैं 2 शेड और मंगवाने वाली हूँ इसके, क्योंकि बहुत ही प्यारा काजल है ये, purple.com से मैंने लिया है। और मैं ले रही हूँ ये मियोन का मस्कारा जो कि बहुत ही अच्छा मस्कारा है गाइस, आप इसे ज़रूर परचेज करें। अगर आप कोई अफोर्डेबल मस्कारा लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है। दूसरा मैं ले रही हूँ ये लिप बाम, और ये है HR यानी हिलारी रोडा की लिप बाम। और फिर मैं ले रही हूँ ये ADS की लिप लाइनर, क्योंकि मुझे लिप लाइनर के बिना लिपस्टिक लगाना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, और मैं इसे अपनी आउटलाइन कर लूँगी और थोड़ा सा बीच में फिल भी कर लूँगी। और फिर मैं ले रही हूँ ये काइली की ड्यूब लिपस्टिक जो कि मैं सदर से परचेज की थी, मैंने बहुत ही प्यारा शेड है इसका, और ये न्यूड शेड की लिपस्टिक है, बट मेरे को थोड़ा सा डार्क शेड चाहिए था, तो मैंने पेंसिल पहले अपने लिप्स पे अप्लाई कर ली थी, तो उससे बहुत ही प्यारा शेड आ गया है, आप देख सकते हैं। और गाइस ये बहुत ही जल्दी मैट भी हो जाती है, एकदम ड्राई हो जाती है, बहुत ही प्यारा शेड आ जाता है। अगेन मैं ले रही हूँ ये किस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर जो कि है 24 गोल्ड मेकअप फिक्सर, और गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। फाइनल लुक, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो प्लीज मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। और ये वाला जो लुक है और ये जो लाइटिंग पड़ रही है, तो ये आपको कैसी लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको पहले ही पता चल चुका है कि मैंने रिंग लाइट ले ली है, तो ये उसी का इफेक्ट है, क्योंकि अभी तक मेरे जो वीडियोज बन रहे थे तो उसमें ऐसी क्लैरिटी और ऐसा कलर्स उभर के नहीं आ रहे थे, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। वीडियो बनाते समय भी मुझे बहुत मजा आ रहा है, आप खुद भी देख रहे होंगे, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है ये रिंग लाइट। मैं तो जरूर बोलूंगी कि जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो भी मेकअप यूट्यूबर हैं, वो ये रिंग लाइट जरूर लें। और मैंने उसका लिंक जो है वो अपने
अनबॉक्सिंग वीडियो में दे रखा है, तो आप वहां से जाकर ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी रिंग लाइट है, बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जो कि मतलब इस लाइन में है तो उनके लिए लाइट बहुत अच्छी है, तो आप जरूर परचेज करें। तो बस इतना ही, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।